24 पार्ट आपका 24 है। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 24। इसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। पहले हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, यानी कि वह संख्या या वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वे संख्याएं अवश्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पहले पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है ये हम देखेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पी और क्यू पूर्णांक ही होंगे और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी पी और क्यू को कहां से लिया जाएगा, पूर्णांकों में से लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है या अशांत अनावर्ती होता है। तो हम आपको बता दें कि शांत और अशांत तो हमने पहले पढ़ लिए हैं, यानी कि शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार केवल और केवल परिमेय संख्याओं का ही होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा और साथ में अनावर्ती होगा, या जिसे अनपसानी अनावर्ती भी कहते हैं, या जिसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, या जिसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। इसके काफी नाम है। देखिए हम देखते हैं कि अशांत आवर्ती संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी कि अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, इनका दशमलव प्रसार होता है अशांत, और अशांत होने के साथ साथ कैसा होता है, अनावर्ती, यानी आवर्त भी नहीं होता। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, या इसका दूसरा नाम होता है अनपसानी अनावर्ती, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ये इसके कुछ नाम होते हैं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है या अनपसानी अनावर्ती होता है। और यानी कि हम और की बात करें तो इसको ही दूसरे रूप में लिखे तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, इसके विलोमते हम बात कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, या फिर अनपसानी अनावर्ती है या अशांत अनावर्ती है, इतने सारे नाम है इसके, उस संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, हम यहां पर सिर्फ एक लिखेंगे कि अशांत अनावर्ती है, कैसा है, अशांत अनावर्ती। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, वे सभी संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय। वे सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी। हमने इसका विलोमते बताया है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी, या फिर अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा ही कैसा होता है, अशांत और अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो देखिए जैसे कि हम अभी लेते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं हम अपरिमेय संख्या, जैसे रूट दो और पाई, या फिर और कोई अलग संख्या आपको लेकर बता देते हैं, जैसे कोई अपरिमेय संख्या लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है एस बराबर, कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 0.5,
हमने ले लिया है 0.30 और ये इस प्रकार हमने ले लिया है। और ये ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में है, ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये अशांत है, शांत नहीं हो रहा बिल्कुल, और कैसा है, अनावर्ती है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 30 ये 33 है, फिर 333 है, फिर 333 है, ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना 033 इसमें आएगा। तो ये कैसी संख्या है? एक अशांत अनावर्ती संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब जब हमने पता लगा लिया कि इसका जो प्रसार है वो कैसा है, शांत नहीं हो रहा मतलब अशांत है, और ना ही रिपीट हो रहा मतलब नॉन रिपीटिंग है, तो जिसका दशमलव प्रसार यानी कि वह संख्या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो वह संख्या हमेशा कहलाएगी कैसी संख्या? इरेशनल संख्या, यानी अपरिमेय संख्या। अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख लेंगे। और कुछ लिखेंगे जैसे जैसे अपरिमेय संख्या होती है रूट टू, तो एक तो रूट टू होता है और एक यहाँ क्या होता है, पाई होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगी 3.14 और ये चलती जाएगी आगे। और रूट टू की वैल्यू होती है 1 और ये हो जाएगी, और ये भी आगे रुकेगी नहीं। अब हम देखते हैं कि ये जो रूट टू है, जो इसका प्रसार है, रूट जो टू है एक अच्छी सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है, और पाई भी है जिसको सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती है, इसीलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। या फिर कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसी प्रकार पाई का भी दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है। और यहाँ पे एक चीज समझिए आप कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 होती है। अब आप कहोगे कि यह तो एक परिमेय संख्या है, नहीं। देखिए यहाँ पर जो 22/7 है, यहाँ पर स्टार लगा के लिख देता हूं मैं, 22/7 पाई का सन्निकट मान है ये इसका, नेकि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये देखिए क्या लिखा है मैंने नीचे लाइन में, मैंने लिखा है कि कोई बच्चे कहेगा कि सर जो पाई है उसकी वैल्यू तो 22/7 होती है, और आप कह रहे हैं कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका सन्निकट मान है, यानी लगभग इसके बराबर है, एग्जैक्ट तो इसकी वैल्यू अभी तक निकाली नहीं गई है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, बहुत आगे कितना भी इसका वैल्यू निकाली जा सकती है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये अशांत है और अनावर्ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तो इसका क्या है, सन्निकट मान है, नेकी पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई को 22/7 के बराबर नहीं लिया जा सकता। यदि पाई को 22/7 के बराबर मान लेते तो एक परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि 22/7 तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, और 22 और 7 दोनों पूर्णांक है, और 7 भी 0 नहीं है, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है परिमेय संख्या की को, लेकिन नहीं, पाई इसके बराबर है ही नहीं ना, हमने बता दिया आपको। तो यहाँ तक देखिए कम्प्लीटली, ये पार्ट 24 है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।